तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट एक ही क्वालिटी का मटेरियल है पैंथर के अंदर। ये तो हुई पैंथर की बात। अब मैं आपको लोट की साइज़ भी बता देता हूँ, लोट की साइज़ बता देता हूँ। स्लेब की साइज़ मैटर नहीं करती है, लगाने के बाद अगर अच्छा मिस्त्री होगा तो जॉइंट्स नहीं दिखेंगे, मेन होती है क्वालिटी। आपको बड़ी साइज़ की क्वालिटी भी मिल जाएगी कम प्राइस के अंदर, और अच्छी क्वालिटी लोगे तो उसकी क्वालिटी पे प्राइस मैटर करती है, साइज़ के ऊपर प्राइस मैटर नहीं करती है, मेन होती है क्वालिटी। तो ये देखिए, आप ये देख सकते हो ये लोट अप्रोक्स 800 स्क्वायर फीट का लोट है। 800 स्क्वायर फीट में आप देखोगे अच्छी रिकवरी का लोट है, कहीं पे भी पीस खांडा नहीं है, एक भी पीस आपको खांडा नहीं मिलेगा। पूरा लोट जो बोलते हैं ना स्क्वायर, मतलब पेटी पैक बॉक्स, इसको बॉक्स साइज़ का ये लोट है। ये देखिए, और इसके अंदर कोई भी आप देखोगे, इसके अंदर जो नीचे का पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये ज़्यादा वाइटनेस का आएगा, ज़्यादा वाइटनेस के अंदर हल्का हल्का पैंथर, जैसे जैसे इधर जाएंगे इधर पैंथर की लाइनिंग बढ़ेगी तभी इसका लुक बनेगा। ये जो दूसरी स्लेब है, अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें तो ये अप्रोक्स 8 फीट इसकी लेंथ है, बट मैं पहले ही बता देता हूँ आप इसको जब लगाओगे तो एक सेंटर कट लगाना है, और है जैसे के जैसे लगा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्ट्रेट लाइनिंग के अंदर है, आप देखोगे नीचे बिल्कुल एक लाइनिंग है, अल्बेटा में जैसी लाइनिंग आती है बिल्कुल वैसी लाइनिंग है। वाटर भी अप्लाई करूँगा मैं बाद में, अप्लाई करूँगा एक साथ। ये देखिए पैंथर के ऊपर, आप सभी को मैं बता दूँ अल्बेटा से भी शानदार पॉलिशिंग जो आती है वो पैंथर के ऊपर आती है, क्योंकि इसका क्रिस्टल बारीक रहता है, फिर इसके ऊपर जो शेड रहती है पैंथर की, जो लाइनिंग रहती है, उसकी वजह से इसका जो ग्लेज है वो डबल खिल के आता है, उसका लुकिंग डबल आ जाती है। और बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो मार्केट में सिर्फ पैंथर लेने आते हैं, मकराना का कि हमें पैंथर ही लेना है, हमें और कोई मटेरियल देखना ही नहीं है, ऐसे भी कस्टमर आते हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हो हमारे पास पैंथर के अंदर अच्छा स्टॉक अवेलेबल है। ये भी आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइनिंग और पैंथर पोर्शन इसके अंदर आएगा। इससे जो नेक्स्ट लोट है, ये लोट भी पैंथर एक ही क्वालिटी का है, एक ही ब्लॉक होता है, उसको अलग अलग आप देख सकते हो, इनकी साइज़ एक ही है, कोई भी साइज़ के चेंज अंदर नहीं है, तो ये एक ही पत्थर के बने हुए रहते हैं। ये वाला लोट जो है ये भी बहुत शानदार लोट है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो नीचे से का पोर्शन देख रहे हो, इसके अंदर एक छोटा सा डायमंड बनेगा, 4 पीस का डायमंड बनेगा, और उसके बाद बिल्कुल आप देख सकते हो कितना शानदार इसकी ग्लेज है, ग्लेजिंग बहुत शानदार, विदाउट आप देख सकते हो पॉलिशिंग, विदाउट वाटर अप्लाई कितना इसका ग्लेज दिख रहा है। और जब भी इस पर वाटर अप्लाई करूँगा तब आपको आएगा इसका मज़ा आएगा देखने का, जब वाटर अप्लाई होगा। ये एक लोट और है छोटा सा, फिर ये एक आता है जंबो लोट, ये देखिए बड़ा लोट आता है। ये लोट अकेला 1500 स्क्वायर फीट का लोट है, ये अकेला, ये देखिए। इसके अंदर क्या होता है, एक तो आता है ग्रे बेस पैंथर पोर्शन, एक आता है ब्राउन बेस पैंथर। इसमें जो नीचे का पोर्शन है वो ब्राउन का है, नीचे का जो पोर्शन है सॉरी ग्रे का है, ऊपर का जो पोर्शन है वो ब्राउन पैंथर का है। तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से इसकी प्राइस कम है। इसकी प्राइस कम इसीलिए है, लोग सोचते हैं कि प्राइस क्यों कम होगी, क्योंकि इसके अंदर आधा पोर्शन ग्रे पैंथर का है और आधा पोर्शन ब्राउन पैंथर का है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ अपने कस्टमर्स को कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4-5 पीस जो है खांडे, तो ऐसा ही इसके अंदर कुछ जो ये पीस जो है ये लास्ट के पीस में से रखे हुए हैं, आगे रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता चले कि लास्ट की कंडीशन कैसी है। हम क्या करते हैं, आगे के 2 पीस रखते हैं, लास्ट के 2 पीस रखते हैं, जिससे कस्टमर को पता रहे कि आगे से लेकर लास्ट की क्वालिटी कैसी रहेगी। तो हमारा काम नहीं है आगे के 2 पीस अच्छे रखो, हम काम करते हैं कि नीट एंड क्लीन, कस्टमर को बता के कि ऐसा वाइटनेस आगे है, ऐसी वाइटनेस लास्ट में। ये देखिए, अब मैं जल्दी से वाटर अप्लाई करके वीडियो को लंबी खींचूँगा नहीं, और वाटर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ इसका ग्लेज। ये देखिए पॉलिशिंग आप देख सकते हो कितनी शानदार आएगी। अब आप इस पे लाइट देख सकते हो कितना शानदार का लुक आ रहा है इसका, बिल्कुल हल्की हल्की लाइनिंग है ना, यही लुक है इसका। जो मेन जो अपन बोलते हैं ना ग्लेजिंग का रीज़न क्या है, ये जो लाइनिंग देख रहे हो आप वाटर अप्लाई करने के बाद, ये लाइनिंग देखो कैसे चमक रही है, कितनी शानदार ये लाइनिंग चमक रही है, ऐसे ही ये लाइनिंग चमकेगी आफ्टर पॉलिशिंग। ये देखिए, और लोट भी जो है बॉक्स साइज़ का लोट है,
अच्छी रिकवरी का लॉट है, 90% इसकी रिकवरी है, सारे जो भी मटेरियल है 90% इसलिए बोल रहा हूँ, 100% कभी भी कुछ नहीं होता, नॉर्मल क्रेक आता है हर पीस के अंदर कुछ ना कुछ, हर स्लेप जैसे ये थप्पी है इसमें कुछ पीस तो क्रेक आने के चांस रहेंगे रहेंगे। तो ये देखिए, रुक जाए एक मिनट, एक बार मैं इसको वापस आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। आप पॉलिशिंग तो देखिए, ये नॉर्मल वाटर अप्लाई करने के बाद इसका ग्लेज है, जब ये पॉलिश हो जाएगा आपके फ्लोरिंग लग जाएगा तो कैसा लुक आएगा आप सोचिए। अब मैं आपको एक फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, आप उस फोटो से आइडिया लगा सकते हो कि कैसा लुक आएगा आफ्टर फ्लोरिंग। आपने वो फोटोज़ देखी तो उसी तरीके से इसका लुक आना है, लगाने के बाद भी सेम लुक आएगा। इससे नेक्स्ट लॉट भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सारा एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न के अंदर आपको 6000 स्क्वायर फीट माल चाहिए, 10000 स्क्वायर फीट मटेरियल चाहिए, हमारे पास एनी टाइम स्टॉक रेडी मिलेगा आपको। और आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मकराना मार्बल लेना है तो कांटेक्ट करिए, अदर मटेरियल लेना है तो आप हमें कांटेक्ट ना करिए, अगर आपको फ्रेश मटेरियल लेना है तो कांटेक्ट करिए, फिलिंग मटेरियल लेना है तो हमसे कांटेक्ट ना करिए, ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम काम नहीं करते जिसमें आगे से कस्टमर हमें गालियाँ दे, ऐसा काम हम कभी करते नहीं हैं। ये आप देखिए कितना शानदार गले जाएगा। अब अगला लोट है, हर कस्टमर की अपनी चॉइस होती है, आप अपने हिसाब से, आप चाहो एक लेना चाहो तो एक ले सकते हो, आप चाहो दो लेना तो दो भी ले सकते हो। इसके अंदर स्ट्रेट लाइनिंग जाएगी, ये देखिए स्ट्रेट लाइनिंग का लुक आएगा इसका। पॉलिशिंग आपको दिख रही होगी, ये सारा लोट आप देख सकते हो, एक ही कलर का है, एक ही माइंस का है, ये देखिए। नेक्स्ट लोट के ऊपर भी मैं वाटर अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। अगर कोई कस्टमर अपने घर के अंदर एक जैसा मटेरियल लगाना चाहता है, बजट के अंदर मटेरियल लगाना चाहता है, तो ये हर कस्टमर के बजट के अंदर आने वाला मटेरियल है और क्वालिटी भी प्रीमियम क्वालिटी है। एक बार इस पर भी मैं वाटर अप्लाई कर देता हूँ। मैं अगर सजेशन दूंगा, कोई अगर वाइट चकडूंगरी लेता है, वाइट या फिग्रेटिव चकडूंगरी लेता है, तो उसकी जगह आप लीजिए इस टाइप का मटेरियल, क्योंकि ये वाइट से भी 10 times बेटर आता है। इसका लुकिंग देखिए, इसकी पॉलिशिंग देखिए आप, वाटर अप्लाई करने के बाद इसका ये ग्लेज आ रहा है। और आप सोचिए जब इसकी पॉलिशिंग हो जाएगी, आपके घर पे लग जाएगा जब, कितना शानदार लुक आएगा। ये देखिए लॉट की साइज़ बताते चलता हूँ मैं आपको, ये 400 स्क्वायर फीट का लॉट है, ये 600 स्क्वायर फीट का लॉट ये वाला है, ये 500 स्क्वायर फीट का लॉट है, ये 400 स्क्वायर फीट का लॉट है, ये 900 स्क्वायर फीट का लॉट है ये वाला, और ये वाला जो लॉट मैंने आपको ऑलरेडी बताया 800 स्क्वायर फीट का है। तो ये कंप्लीट पैटर्न हो गया पैंथर के अंदर, देखिए आप देख सकते हो मेरे पसंदीदा लॉट के अंदर। अपन देखें ये तीनों भी एक ही कलर के अंदर है, आप देख सकते हो, मतलब एक ही माल है, एक ही पत्थर से बने हुए हैं, तो इनके अंदर कोई कमी नहीं है, आप कोई कमी निकाल नहीं सकते। इसके ऊपर जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है डार्क, ये धूप पेड़ की छाया है, इस वजह से आपको डार्क लग रहा है, बाकी सेम कलर है इसका। ये देखिए कोई बोलता है इटालियन 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 जो बोलते हैं ना, अगर ये लगा दोगे तो आपके घर में सबसे बेस्ट मटेरियल, अपने प्राइस के हिसाब से, आप हर अपनी पॉकेट के हिसाब से काम होना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 100 रुपये का मटेरियल बोल दूंगा तो आप ना, तो आपका अगर बजट है 40 रुपये का तो आप 100 का भी नहीं ले पाओगे, आपका अगर बजट है 100 रुपये का तो आप 200 का नहीं लोगे, तो अपने बजट के हिसाब से मटेरियल बेस्ट है। प्राइस जानने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करिए। और इस टाइप के मटेरियल को जो बोलते हैं ना इटालियन लुक, इसी तरह के मटेरियल को इटालियन लुक बोलते हैं, मकराना का जो इटालियन टाइप का मटेरियल आता है। इटालियन में भी क्या होता है कि कोई लाइनिंग नहीं होती, कि इतना क्लियर नहीं होता, हल्के हल्के शेड होते हैं, इसके अंदर भी हल्के हल्के शेड होते हैं, ये देखिए हल्के हल्के शेड होते हैं इसके अंदर। और चीज़ मकराना की है, कभी ख़राब नहीं होनी, पॉलिशिंग कभी नहीं जाएगी, लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है आप सोचिए।
तो प्राइस जानने के लिए कॉन्टैक्ट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। आपको ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे डिलीवरी किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स होती है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।